उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कोटद्वार पहुंचे, जहां कोटद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार के पनियाली गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। साथ ही उन्होंने प्रदेश में सामने आए भर्ती घोटाले में CBI जांच की मांग भी की और भर्ती घोटाले में आरोपी हाकम सिंह के साथ उनका नाम आने पर अपने पक्ष में बात भी रखी। CBI जांच कराते मुख्यमंत्री, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखिए हमको अपने हाथ पैरों को मजबूत करना चाहिए। आखिर हम केंद्र की इकाइयों पर, एजेंसियों पर ही हमेशा क्यों निर्भर रहते हैं? और ये जो पॉलिटिकल लोग जिस तरह की डिमांड करते हैं, वो तो और जगह तो बोलते हैं CBI का दुरुपयोग हो रहा है। CBI का दुरुपयोग क्या, यहाँ CBI का दुरुपयोग नहीं हो सकता? हमारे साथ में सबके साथ हमारा पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, बहुत पुराना कार्यकर्ता है, जिला पंचायत सदस्य था, पार्टी ने उसको टिकट दिया और पार्टी ने जब उसको गलत पाया गया तो पार्टी ने उसको तत्काल बाहर कर दिया। सरकार ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, उसको जेल के अंदर डाल दिया, उस पर गैंगस्टर लग गया, तो कोई बच्चा बेईमान निकल सकता है?